हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। एकदम टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़ा आज मैं बनाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मैं आज बनाऊंगी ब्रेड पकौड़ा। देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 पीस ब्रेड ले लिया और साइड से ये जो ब्राउन कलर का है ये काट के फेंक देना है। और ये ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए। ये है ऑनियन, छोटा छोटा टुकड़ा करके काट के रखी हूँ। कैप्सिकम और गार्लिक है और 2 चिली ले लिया। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ऑनियन, गार्लिक एंड कैप्सिकम। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा जिंजर एंड जीरा का पेस्ट है। ये थोड़ी सी मैं दे दिया जिंजर एंड जीरा का पेस्ट। थोड़ी सी सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा मैदा, और 1 कप बेसन। यहाँ पे मैं सब कुछ डाल दिया, अभी इसमें इसको मिक्स करना है। और देखिए ये पोटैटो है, ये पोटैटो मैं कुकर में बॉईल कर लिया, यहाँ पे डाल दिया और ये सब बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऐसे नहीं मिक्स होगी तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी मिक्स हो जाए और पकौड़ा भी हो जाएगी। पानी जितना जरूरत होगी उतनी ही लेना। बस मिक्स कर लिया। यहाँ पे देखिए मैं कढ़ाई में ऑयल डाल लिया। ऐसे करके मैं यहाँ पे एक एक करके छोड़ती हूँ पकौड़ा बनाने के लिए। बस अभी इसको मैं फ्राई करूंगी।
थोड़ा सा वेट कर लीजिए फ्राई करने तक। फ्रेंड्स देखिए मेरा ब्रेड पकौड़ा रेडी हो चुकी है, मैं उठा लेती हूँ। तो कैसा लगा फ्रेंड्स मेरी ब्रेड पकौड़ा रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स मेरी ब्रेड पकौड़ा एकदम रेडी, और ये देखिए तो मैं आज चलती हूँ, टाटा बाय बाय।